Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. My dear student, if you remember that what we studied in our chapter, then you can easily found in your notes that we had completed the Jainism and Buddhism. We also discussed about some other aspects of the religious change during 6th century BC to 6th century AD. Today, we will try to understand Buddhism. In my last video, I was discussing about this literature, theory, gatha, जातक स्टोरी सूत्र पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक कथा वत्थु सिंगली अनुश्रुतियां दीपवंश एंड महावंश एंड सच टाइप ऑफ अदर दीज आर पॉइंट्स वाज डिस्कस बाय मी इन प्रीवियस वीडियो माय डियर टुडे वी विल कंटिन्यू पर्टिकुलर दैट पॉइंट हमने आपसे साहित्यों पे बात की और अब साहित्यों के बाद हम आज बौद्धिस्ट काउंसिल पे देखेंगे और इन बौद्धिस्ट काउंसिल को समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से बौद्धिस्ट काउंसिल में इन नए लिटरेचर का सूत्रपात हुआ नए लिटरेचर बने तो टुडे वील फोकस द बौद्धिस्ट काउंसिल काउंसिल ऑफ द एल्डर्स आर सीनियर बौद्धिस्ट काउंसिल का काउंसिल मैंने आपसे आई वाज डिस्कस कि देयर वर फोर बौद्धिस्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड टाइम टू टाइम द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल देयर टाइम वाज 483 बीसी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात ही हमें क्या दिखाई देता है एक बहुत फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल दिखाई देती है तो आप यहां लिख दीजिए काउंसिल काउंसिल अगले में आप लाइनिंग बनाइए काउंसिल कैटेगरी कर लीजिए आप पूरा चलिए फर्स्ट में काउंसिल थोड़ा और स्पेस कम करते हैं किंग चेयरपर्सन टाइम एंड प्लेस ओके तो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल किंग थे अजात शत्रु अजात शत्रु चेयर पर्सन थे महाकश्यप महाकश्यप टाइम था 483 बीसी और जगह थी सप्तपर्णी सप्तपर्णी केव राजगिरी मगध ओके सेकेंड
Second Buddhist Council, that is very important. First Buddhist Council or Second Buddhist Council, Kala Sok, Sushnagvansi Sasak Kala Sok, Adhyakshata Sarva Kambhi, कहीं कहीं सर्व कामिनी भी मिलता है नाम, सर्व काम भी सर्व कामिनी 383 बीसी, जगह वैशाली, और यहीं पे बौद्ध धर्म दो पार्ट में क्लियर डिवाइड होता है, स्थविर और थेरवाद। महासांघिक महासांघिक ओके, तो ये दो पार्ट डिवाइड होता है क्लियरली, इसमें डिवाइडेशन हमको यहां दिखाई देता है। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, स्थविर और थेरवाद में। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल बुद्ध के मरने के तुरंत पश्चात ही होता है, और यहां पे 483 बीसी में पिटक साहित्य, पिटक लिटरेचर, सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक संकलित किया जाता है। सुत्त पिटक के प्रवर्तक उपाली को मानते हैं, और विनय पिटक के प्रवर्तक, विनय पिटक के प्रणेता आनंद को मानते हैं। व्हाट इज गिवन इन दिस पिटक, इन द सुत्त पिटक द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, एंड इन विनय पिटक द रूल्स फॉर द मॉन्क, रूल्स फॉर द संघास, आई मीन टू से दैट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर संघा, इट इज मेंशन्ड इन विनय पिटक, सर्मन टीचिंग्स दैट वॉज कंपाइल्ड इन द बुक सुत्त पिटक। This was the first time when Buddhist literature was going to compile in the proper form, in the literature form. The first Buddhist council Saptaparni ki gufa mein, Rajgiri mein hui, adhyakshata Mahakashyap ne kiya, us samay raja the Ajatasatru, aur ye wahi samay tha जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तुरंत बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात ही ये किया गया था, ऑर्गेनाइज हुआ था। सेकेंड थिंग इज दैट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर 100 ईयर ड्यूरिंग 383 बीसी, द अदर डायनेस्टीज, सुसना कालासोक दैट वॉज द किंग ऑफ द मगध, who organized this council. This council was chaired by Sarvakambhi. In this council, a dispute and conflicts that came out. The Western Buddhist monk and the Eastern Buddhist monk, their conduct, their behavior, their work, on the basis of that, they were categorized into different part. अलग अलग कार्य प्रणाली में उन लोगों ने अपने को बांट लिया। मैंने बौद्ध संगतियों की बात की, बौद्ध काउंसिल्स की बात की। बौद्ध काउंसिल के इतिहास को देखें तो चार बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुए वो अपने में काफी विविधता और महत्वपूर्ण
परिवर्तनों के साथ आए थे। पहली बौद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी की सप्तपर्णी में हुई, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें बौद्ध फॉलोअर्स जो थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें बुद्ध के जीवन काल में, भले ही उनकी किसी भी उपदेश या सर्मन को कंपाइल नहीं किया गया, राइट नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, तो आज हम इसे कंपाइल करने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे दो पिटक, पिटकों का संकलन किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक जैसे दो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। तत्पश्चात 100 साल बीतने के बाद सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, और सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल कालासूप के समय में बुलाई गई थी। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वैशाली के भिक्षु, वैशाली के जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों को अपना लिया था जो अवंती के भिक्षु को पसंद नहीं था। वैशाली के भिक्षु, वैशाली के बौद्धिस्ट मॉन्क कुछ ऐसे नियमों को अपना रहे थे जो पश्चिम अवंती के मॉन्क धर्म के अनुकूल नहीं मानते थे। और यहीं पे दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। और इस सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल में जब विवाद बढ़ा तो दोनों लोगों ने मतभेदों को खत्म करने के लिए चार चार सदस्य, फोर कमेटी मेंबर्स अपनी तरफ से अपॉइंट किए, और कई सारी चीजों पे पर्याप्त डिस्कस और डिबेट के बाद रोक लगा दी गई। जैसे पूरब के जो भिक्षु थे, जो वैशाली के भिक्षु भी थे, भिक्षु थे, बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उन लोगों ने कुछ ऐसे आचार व्यवहार के नियम अपनाए, जैसे नमक खाना, ताड़ी पीना, दोपहर में सोना, गद्देदार बिस्तर पे सोना, सोने और बहुमूल्य चीजों को ग्रहण करना, एक ही जगह पे बार बार संघ के आयोजन करना, इस तरह के कुछ ऐसे नियम थे जिसका बार बार ये लोग आयोजन कर रहे थे। इसका विरोध वैशाली के भिक्षुओं ने किया था। दोनों लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद इन चीजों पे रोक लगा दी। लेकिन कालांतर में वैशाली के भिक्षुओं ने एक दूसरी संगति बुला करके अपने इन सभी कार्यों को बौद्ध संगत बना दिया, उसको मान्यता दे दी, और यहीं से बौद्ध धर्म में प्रॉपर डिस्प्यूट हमें दिखाई देता है। बौद्ध धर्म दो पार्टों में बट जाता है, एक को कहते हैं स्थिरवाद या थेरवाद और दूसरे को कहते हैं महासंघ। स्थिरवाद का मतलब स्थिर है, उन परंपराओं पे वो स्थिर थे जो गौतम बुद्ध ने बनाई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। अवंती के भिक्षुओं ने उनमें कोई बदलाव नहीं किया, जबकि वैशाली के भिक्षु भी बदलाव के साथ बौद्ध धर्म को एडाप्ट कर रहे थे। समय के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार, कुछ रिचुअल कर्मकांडों को, कुछ ऐसे परंपराओं को बदलना आवश्यक मान रहे थे वैशाली के भिक्षु भी। भिक्षु, भिक्षुड़ी, मॉन्ग, नन, इन लोगों ने इसमें बदलाव लाया, परिवर्तन लाया। दोनों की अध्यक्षता अलग अलग लोगों ने की। स्थिरवाद या थेरवाद की अध्यक्षता करने वाले थे महाकच्चाय, महाकच्चाय और महासांगिक की अध्यक्षता करने वाले थे महाकश्यप। ध्यान दीजिएगा, महाकश्यप ये वही थे जो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल में। तो अब यहां पे आपको एक लंबा डिस्प्यूट दिखा। फिर 251 थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में शासक थे अशोक, अशोक आदि ग्रेट, दैट इज द
अशोका द ग्रेट, ये वही शासक थे जो अशोक। चेयरपर्सन कौन थे? मोगाली पुत्र तिस। मोगाली पुत्र तिस और टाइम था 251 बीसी, प्लेस था राजगिरी। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। मोगलिपुत्र तिस स्थिरवाद थे, ये थिरवादी थे, इसलिए थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में थेरवाद स्थिरवाद का बोलबाला रहा। अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस में यहीं पे कहा था कि किसी को भी बौद्ध संघ में विभेद करने की छूट प्रदान नहीं की जाएगी, और यदि किसी ने संघ में विभेद करने का प्रयास किया तो उसे कासाय वस्त्र पहना करके सर को मुंडवा के नगर से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का उल्लेख अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस में भी करता है। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में संघ में हुए विभेद को दबाने का प्रयास किया गया, रोकने का प्रयास किया गया, बहुत हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। संघ को नियंत्रित करने का प्रयास इसमें किया गया। मैंने आपसे कहा कि जो थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल थी, चूंकि ये अशोक के समय हुई थी, अशोक एक पावरफुल इंपरर था भारत में, और मोगलिपुत्र तिस जो इसके चेयरपर्सन थे, इन्होंने अध्यक्षता की इस संगति की, इस काउंसिल की। वो थेरवादी थे, स्थिरवादी थे, इसलिए यहां पर स्थिरवाद का बोलबाला था। यहां पे महासांगिकों के मत का खंडन किया गया। यहां पे अगर एक तरीके से देखें तो वैशाली के जो भिक्षु थे उनके मतों का यहां पे खंडन किया गया। और यही थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में मोगलिपुत्र तिस ने एक ग्रंथ लिखा, एक साहित्य लिखा, कौन सा? कथावत्थु। कथावत्थु उन्होंने एक किताब लिखी, कथावत्थु। कथावत्थु ही अपने विशद रूप में थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में एक और पिटक का सूत्रपात किया गया, और यह बना अभिधम्म पिटक। अभी धम्म पिटक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। यह क्या था? बौद्धिस्ट फिलॉसफी थी। ये बौद्धिस्ट फिलॉसफी थी, अभिधम्म पिटक बौद्धिस्ट फिलॉसफी थी। तो इस प्रकार अब पिटकों की संख्या तीन हुई। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल में दो पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, विनय पिटक में संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संकलन किया गया था, और थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में जो अभिधम्म पिटक था, इस अभिधम्म पिटक में बौद्धिस्ट फिलॉसफी को संकलित किया गया, लिखा गया। अब इसके बाद फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ। फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल शासक था कनिष्क। अध्यक्षता किए वसुमित्र,
उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। यहां पे कहां हुआ, प्लेस कहां था, टाइम फर्स्ट सेंचुरी एडी, काश्मीर के कुंदरवन में। और यहीं पे यहां पे महायान का बोलबाला था, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क चेयर्ड बाय वसुमित्र। टाइम पीरियड इज द फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी एडी, काश्मीर कुंडलवन। व्हाट इज द मेन इंसिडेंट ड्यूरिंग दैट काउंसिल? इट इज वेरी क्लियर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम द बौद्धिस्ट रिलीजन डिवाइडेड इंटू एक्चुअल इन टू पार्ट, स्थविर एंड थेरवाद, दैट वॉज डिवाइडेड इन सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल। हियर हीनयान एंड महायान, हियर हीनयान एंड महायान, बौद्ध रिलीजन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, हीनयान एंड महायान। हीनयान इट मीन्स द लेजर व्हीकल, महायान इट मीन्स द ग्रेटर व्हीकल। हीनयान फॉर द एक्सट्रीम फॉलोअर ऑफ द बौद्धिस्ट, स्पेशली द बौद्धिस्ट मॉन्क, एंड महायान फॉर द कॉमन पीपुल, जनरल पीपुल। एंड इन दिस काउंसिल वन अनदर टेक्स्ट दैट वॉज कंपाइल्ड, द बुक कंपाइल्ड, द बुक नेम वॉज विभाषा शास्त्र, विभाषा विभाषा शास्त्र। माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट विभाषा शास्त्र दैट वॉज रिटेन इन संस्कृत। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन द स्टार्टिंग फेज व्हाट यू हैव सीन, यू हैव सीन दैट द बौद्धिस्ट टेक्स्ट और लिटरेचर दैट वॉज रिटेन इन प्राकृत और मागधी, बट ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी कहां तक, कमिंग बैक फर्स्ट सेंचुरी एडी दे रिवर्स बैक, कहां किस पे, ऑन संस्कृत, संस्कृत पे आ गए। अब बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाने लगे थे और विभाषा शास्त्र संस्कृत में लिखी गई ग्रंथ थी, जिसको किसने लिखा, इन विद्वानों ने लिखा। अब दैट इज द काउंसिल डिटेल्स ऑफ द बौद्धिस्ट काउंसिल। लेट मी कंप्लीट दिस द होल डिस्कशन व्हाट वी डिस्कस व्हाट वी रीड टुडे। माय डियर, द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू दैट द बौद्धिस्ट काउंसिल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बुद्धिज्म हिस्ट्री। You have also read that the literature that is the basic structure who framed, I meant to say that the literature is the backbone of this religion. As your book told you that during Buddha period, during Buddha life, when Buddha was alive, there were no text was compiled. There was no text was wrote. कोई भी किताब नहीं लिखा गया, नो टेक्स्ट रोट ड्यूरिंग बुद्धा लाइफ स्पैन। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा द बौद्धिस्ट फॉलोअर, बौद्धिस्ट डिसाइपल
Buddha disciple, they decided that we have to compile the teaching of the Buddha, we have to compile the rules for the monk. So that's why we have to organize a committee, a council. Council, it means Buddhist council, it means the council for the council for seniors and elders. बड़ों के लिए, बड़ों का, बड़ों के द्वारा बनाया गया एक संघ, इन विच वी सीट एंड डिस्कस एंड डिबेट व्हाट इज इन द फेवर ऑफ द बुद्धिज्म, इन द फेवर ऑफ द बौद्धिस्ट रिलीजन, हाउ वी प्रोपोगेट आवर रिलीजन इन होल इंडियन कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड इट ऑल्सो. BC 483, that was the time when they meet one place, Saptaparni cave, situated in Rajagriha, Magadha. During that time, king of Magadha, Ajatasatru, this council was chaired by Mahakasap, and they compiled two books which we know that Pitak, the Pitak literature that was introduced in the first Buddhist council, Sutta Pitak and Vinaya Pitak. Sutta Pitak, that is the sermon and preach of Buddha. Vinaya Pitak, that is code of conduct for the Buddhist monk who lived in the Sangha. Second Buddhist council, after the death of Buddha, after the 100 year, the death of the Buddha, second Buddhist council was called. Time period 383, King Kalasok. This council was chaired by Sarvakamani. Here, the major dispute and conflict that has came out between the Eastern and Western Buddhist monk. Their conduct was different, their code of conduct that was different. The Eastern Buddhist Vaisalis, Buddhist monk, they adopted some different customs, practices in Buddhism, which is totally against. So it was opposed by Western Buddhist Sangh, Vaisalis Buddhist Sangh. After the vast discussion, debate, it was decided that in Buddhism, two sects, it was very clearly categorized, Sthavirvad and Thirvad. Then after Third Buddhist Council, 251 BC, during Ashoka period, Ashoka, that was the powerful emperor, so that's why he proclaimed that if any Buddhist monk try to disturb the Buddhist Sangha, I will punish them. I will debar them in my state. And this proclamation that was mentioned in Ashokan inscriptions. Third Buddhist council chaired by Moggaliputtis, he was Sthirvadi, so that's why the role of Sthirvad, that is the very important. The third Pitak, that was Abhidhamma Pitak, was compiled during third Buddhist council, and fourth Buddhist council during the Kanisk period, 1st century AD. This council was chaired by Vasumitra. Asokos was vice chairman of this council. Vivasa Shastra book was wrote, it was in Sanskrit, that is the very strange matter that Buddhist adopted Sanskrit again. Not we can say again, I mean to say that the Sanskrit language that was opposed by Buddhism in the starting phases, here during fourth Buddhist council, we had seen that the followers of the Buddha, they accepted, they adopted the Sanskrit language for their literature.
That is a very important. And important is also that the Kashmir Kundalwan, that is the place where this council was organized, where the Buddha religion divided into two parts, Hinayana and Mahayana. Hinayana, lesser vehicle, Mahayana, greater vehicle. तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस काउंसिल के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम हीनयान और महायान के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और कुछ पुराने ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।